जैसे कि आप देख सकते हैं आधार सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद हमारा जो आधार सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिक फिर से क्लोज हो जा रहा है। तो अगर आपके में भी इस प्रकार से प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो में बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को आप जो है किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है सॉफ्टवेयर जो ओपन हो रहा है लेकिन फिर से यह क्लोज हो जा रहा है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्विस को ओपन कर लेना है। सर्विस पर जाने के बाद आपको जो है आधार सर्विस जो तीनों आधार सर्विस है इन तीनों को आपको जो है स्टॉप कर लेना है। तीनों सर्विस को आपको जो है स्टॉप कर लेना है। स्टॉप करने के बाद आपको जो है आधार सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन पे चले जाना है। जाने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पर सीड पे चले जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं सीड है, उसके बाद विड्रॉल फाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको बिन पे चले जाना है। बिन पे जाने के बाद यहाँ पर विड्रॉल पे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी बिन पे चले जाना है। बिन पे जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे OUC अपडेट यहाँ पर जो दिख रहा है उसको आपको पकड़ कर यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको करने के हैं यहाँ पर आप देखेंगे OUC इसमें मैच करेंगे। यहाँ पर आपको देखेंगे OUC ओल्ड जो है उसको आपको जो है राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। डिलीट कर देने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पर ऊपर में जो देख सकते हैं OUC जो है उसको आपको रीनेम कर देना है। आपको राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे और यहाँ पर OUC है उसके बाद आपको करने के है डेज डालना है और ओल्ड टाइप कर देना है और इंटर कर देना है, क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे में OUC अपडेट है उस पर राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो अपडेट है उसको जो है आपको जो है डिलीट कर देंगे। सिर्फ OUC को रहने देना है और क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आपको इसे जो है क्लोज कर देंगे और आपको जो है यहाँ पर आधार सर्विस जो है स्टॉप की थी उससे फिर से आपको जो है स्टार्ट कर देना है। तीनों सर्विस को फिर से हम स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद आपको जो है फिर से आपको जो है आधार सॉफ्टवेयर को ओपन करके देखना है कि आपका जो है सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है कि नहीं या फिर से ऑटोमेटिक फिर से क्लोज हो जा रहा है। तो यहाँ थोड़ा रुकते हैं। उसके बाद आपको जो है आधार सॉफ्टवेयर को ओपन करके देख लेना है। आप देख सकते हैं हमारा जो आधार सॉफ्टवेयर फिर से ओपन होना स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा वेट करना है जब तक ये ओपन नहीं हो जाता। अब देख सकते हैं हमारा जो है आधार सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, आपको जो है आधार सॉफ्टवेयर ओपन हो गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।